होगा, पारदर्शी तरीके से नियोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियोजन वाली जगहों की वीडियोग्राफी भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक नियोजन को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही इसमें नियोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से मिल रही है, जहां पर शिक्षक नियोजन जो बड़ा मुद्दा है फिलहाल, उसको लेकर बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद है। पॉलिटिकल एडिटर शैलिंद हमारे साथ जुड़ गए। शैलिंद, शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ खास बात है? देखिए, साफ तौर पे है जो प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा करना है और किस तरह से पूरा करना है इसी को लेकर बैठक हो रही है। और कल भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी जो हालात है, अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो हम जो शिक्षक नियोजन के जो छठवें चरण की प्रक्रिया है उसको पूरा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होनी है जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी है बिहार सरकार की, तो उसमें क्या फैसला होता है? क्योंकि अगर कोई बड़ा फैसला या कड़ा फैसला लिया जाता है तो शिक्षक नियोजन पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है उसको लेकर भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है, छठवें चरण की जो प्रक्रिया है, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती करना था, उसमें कुछ शिक्षकों की नियुक्तियां भी हुई और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और इसको पूरा किया जाना है। तो जाहिर सी बात है शेड्यूल जारी हो चुका है और ऐसे में शिक्षा विभाग ये चाहता है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और इसी दिशा में जो है सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पे है कि जो बैठक हो रही है तमाम लोगों से जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है और जो अब चूंकि जो आवेदन आएंगे उसके बाद उनकी उनको आगे की प्रक्रिया होगी और अगले महीने में चूंकि नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें जो चर्चा है वो इस बैठक में हो रही है और उसको लेकर एक प्रारूप तय हो चुका है, उस पर आगे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।